भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आज ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिल रहा है, लेकिन जानकारी बहुत ही काम की है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। जानकारी है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आंगनबाड़ी बहनों की ग्रेजुटी मामले में, कि ग्रेजुटी मामले में क्या हुआ है। इस मामले में आपको मैं बता दूं कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से मनीषा कनौजिया बहन, जिन्होंने अभी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है, अब विभाग को इस मामले में जवाब देना पड़ेगा। जैसा कि आप सबको पता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तभी किया जाता है जब विभाग को जो तय समय में जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया था और विभाग ने जवाब नहीं दिया, जिसके एवज में ये काम करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर अच्छा हुआ कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया, और इसको किया किसने है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के थ्रू मनीषा कनौजिया बहन ने। जानकारी को भी ऑल इंडिया को भेजा है मनीषा कनौजिया बहन ने ही। आइए बताते हैं पूरी जानकारी क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑर्डर है 24 मई का, 24 तारीख परसों ही ये ऑर्डर कोर्ट से आया है। अब इसमें क्या लिखा है, अभी तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिनको इंग्लिश आती है वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्वयं भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जिनको केस की जो है रिट नंबर वगैरह देखनी हो वो भी अपना देख सकते हैं। बाकी मैं कहना चाहूँगा, नीचे ऑर्डर का डेट भी आप देख सकते हैं, ये 24/5/2024 डेट भी परसों की दी गई है। अब बात करते हैं अभी हम इस ऑर्डर को लेकर के इसके हिंदी रूपांतरण की, और बताएंगे आपको कि इस ऑर्डर में लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है। तो अभी ये कुछ जानकारियां हैं जो कि आप देख रहे हैं मनीषा कनौजिया बहन की जो है इसी सुनवाई को लेकर के रही हैं, और अभी आगे चलते हैं। और ये आप देख सकते हो वो जानकारी जो कि हिंदी रूपांतरण है उसी ऑर्डर का, सेम चीज़ यहां पर दर्शाई गई है। आइए आपको बेहतर ढंग से समझ में आए, इसलिए मैं आपको ये हिंदी में दिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर मामला क्या है, अवमानना आवेदन है, यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है ये, और 21/63/2024 ये सिविल संख्या। निवेदक कौन है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ मनीषा कनौजिया बहन। विपक्षी में कौन है, बी चंद्रकला सचिव हैं, बाल विकास पुष्टाहार विभाग है लखनऊ, और अन्य आवेदक के लिए यहाँ पर वकील। तो यहाँ पर आवेदक के लिए जो वकील हैं वो कौन है, अभिलाषा पांडे हैं उनकी। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि क्या क्या पॉइंट हैं। लिखा गया है माननीय राजीव सिंह जी, आवेदक के विद्वान वकील को सुना। आवेदक के विद्वान वकील का कहना है कि रिट कोर्ट द्वारा रिट संख्या 54/26/2023 में पारित आदेश जो 15/12/2023 में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा मनीषा कनौजिया जिला अध्यक्ष बाराबंकी, प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा पुष्टाहार एवं अन्य में विपरीत पक्ष के द्वारा जानबूझ करके रिट कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई, यानी जो एक तय समय दिया गया था शासन को, विभाग को, कि 4 महीने में अपना जवाब दो, लेकिन 4 महीने से ज़्यादा बीत गया है और शासन से कोई जवाब नहीं दिया गया। उल्टे जानकारियाँ आई थी कि जो है सरकार या विभाग कह लो, वो वाला जो दूसरा पक्ष है ऐसे कह सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो डबल बेंच जो है गए, ऐसी जानकारियां निकल के आई थी। तो यहां पर मनीषा बहन ने क्या किया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, और ये बहुत ही जरूरी कड़ी थी इस मामले में, क्योंकि विभाग को ये भी तो जवाब देना है कि 4 महीनों से वो चुप्पी साधे क्यों बैठे थे, और 4 महीने तक समय तय समय में उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, या कोई आगे की कार्रवाई उन्होंने क्यों नहीं की। ये 5-5 से ज़्यादा महीने बीत गए हैं, तब चीज़ें अगर सरकार डबल बेंच भी जा रही, लेकिन उससे पहले इस कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी जवाब देना पड़ेगा शासन को। तो ये एक समझ लीजिएगा, आपके लिए एक अच्छी खबर ही आप इसको मान सकते हैं। साथ ही विपक्षी पक्षों को 1 सप्ताह के भीतर, विपक्षी पक्ष में कौन है, उत्तर प्रदेश सरकार कह लो, अपना महिला बाल विकास विभाग कह लो, यानी वो लोग जो विपक्ष में हैं, पक्ष के कौन हो गए, हम लोग पक्ष के हो गए, जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, आपने हम सब बहनों के हक के लिए जो ये लड़ाई है, ठीक, तो पक्ष में हो गई आंगनबाड़ी, और विपक्ष में कौन हो गया, सरकार हो गई, तो यहाँ और विभाग हो गया। तो लिखा है विपक्षी पक्षों को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया जाए, ताकि वह कारण बताएं
कि उन्हें इस न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जिसे 2 सप्ताह के भीतर प्राप्त करके वापस किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में अवमाननाकर्ताओं को तलब कर आरोप तय किया जा सकेगा। इस तरह से कोर्ट ने कड़े शब्दों में चीजों को कहा है। कार्यालय को नोटिस के साथ इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया गया है। इस मामले को 26 जुलाई को नए सिरे से सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करें, यानी इस मामले में अब आप कह सकते हैं कि जो नए सिरे से जो अगली सुनवाई होगी वो 26 जुलाई को अगली सुनवाई इस मामले में देखने को मिलेगी। देखो टाइम जरूर लग रहा है, टाइम पर टाइम खिंच रहा है, बहनों के लिए लिहाज से देखा जाए तो ठीक नहीं है, बहुत सी बहनें रिटायर हो रही, लेकिन आसानी से अगर सरकार देना नहीं चाह रही है तो फिर कोर्ट के यही नियम कायदे कानून जो भी बने हैं उनके थ्रू सबको चलना पड़ेगा, चाहे हम हों चाहे आप हों, या यानी हम हों या विपक्ष में सरकार हो या विभाग हो, वो भी नियमों के तहत ही कामों को आगे करेंगे। फिर चाहे वो डबल बेंच जाएं या डबल बेंच के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो कहीं पर भी जाएं, वो उन पर है। लेकिन जैसे कि उन्होंने नियत तय समय में जवाब नहीं दिया उसको लेकर के कोर्ट आप कंटेंट बिल्कुल बनता था और वही चीज़ें हुई हैं। अभी ये पहला आप देखिएगा सुनवाई जो कि हो चुका है मनीषा कनौजिया बहन के जो है यहाँ पर मामले में, यानी उनके द्वारा दायर इस याचिका को लेकर के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जानकारियाँ हैं जो कि सब सेम टू सेम लिखी हैं। जो भी ये 5 पॉइंट थे मैंने इन 5 पॉइंट को हिंदी में करके आपको बता दिया, ताकि बहुत सी बहनें हमारी जो इंग्लिश में अगर मैं बोल भी दूँ तो शायद उनको उसका अर्थ पता ना चल पाए, इसीलिए हिंदी का मैंने बताया। तो ये कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर बताई गई हैं। अब इसको लेकर के बहुत से लोगों के उनमें कई तरह तरह के सवाल भी उठेंगे। तो देखो परेशानी की अभी बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं है। देखो सर, ये तो हम लोग सब जान ही चुके हैं कि यूपी सरकार का मन ग्रेजुटी का लाभ देने का नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात और अच्छी बात यह है कि हम लोगों को सरकार को ये देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में आपको पता है एक राज्य में ये निर्णय पहले ही वो दे चुकी हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा पॉइंट तो वो है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट भी जाए, वहाँ भी अगर हम लोग पहुँच गए तो वहाँ से भी जीतेंगे। हाई कोर्ट में प्रथम सुनवाई में तो सरकार यानी हाई कोर्ट ने न्यायालय ने तो कह ही दिया आंगनबाड़ी ग्रेजुटी की हकदार हैं, उनको ये दिया जाए। 4 महीने का उत्तर प्रदेश सरकार को टाइम दिया गया, लेकिन यूपी सरकार ने उस 4 जो है यहाँ पर महीने में अपना जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर के फिर ये कोर्ट ऑफ कंटेंट भी हो चुका। तो चीज़ें नियम के तहत आगे बढ़ रही हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं, और उसी के तहत हर कोई बढ़ पाएगा। बाकी सरकार की मंशा क्या है वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे, आगे क्या हो रहा है कैसे कैसे वो सब आपके सामने आ रहा है और आगे आता भी जाएगा, आगे भी इस मामले में कुछ होगा तो वो बताएंगे। अभी तो ये मनीषा कनौजिया बहन के द्वारा जो सुनवाई हुई है उस मामले में उन पर हो गया। अभी आपको और पता है अपने साइड से जो बहनें थी, काफ़ी बहनें उन्होंने भी अपने एक वकील को करके सुनील जी के माध्यम से भी जो है इसी मामले में 2-2 केस आपको पता है पड़े थे ग्रेजुटी मामले में, तो अभी उनको लेकर के भी जो भी चीज़ें होंगी या जानकारी आएगी तो वो आपको बाद में दे दी जाएगी। अभी फिलहाल जो हुआ है, अभी जो पहले अभी हुआ है जो आज आप देख रहे हैं, ये मनीषा कनौजिया बहन के द्वारा दी गई उस याचिका पर ये चीज़ें हुई और उनके द्वारा ही अभी पहले कोर्ट ऑफ कंटेंट भी कर दिया गया, और जिसका खुशी है और अच्छी बात है। बहनों के हक की चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, बहनों को जीत मिलनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात। वहीं दूसरी बात, आगे कुछ होगा तो बताएंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पर ये कुछ जानकारियाँ थीं जो आप लोगों को देनी थी। तो अब आप लोगों का इस मामले में क्या कहना है कमेंट में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। बाकी सरकार की नीतियां तो आप सबके सामने हम पहले रख ही चुके हैं, तो उनको बार बार दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग अब अपने प्रयासों को बस आगे बढ़ा रहे हैं, जो बहनें आगे बढ़ रही हैं काम कर रही हैं। अब देखिए आगे क्या है, कुछ और कमेंट्स आए हैं जिनको लेकर के भी कुछ चर्चाएँ करना चाहेंगे कुछ भाई बहन हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा, हम लोग इस सरकार से निराश हैं, वादे पर वादे किए हैं लेकिन एक भी रुपया नहीं दिया और काम पे काम बढ़ाते जा रहे हैं। योगी सरकार को लेकर के भाई बहनों में ये परेशानियां जो दिख रही हैं, काम पर काम जो है बोझ बढ़ता जा रहा, साथ ही बहनों को किए गए बार बार वादे पर वादे किए लेकिन वो दिया नहीं सरकार ने, ये चीज़ें हैं। साथ ही एक भाई इन्होंने लिखा कि भैया जी, आज की महंगाई के ज़माने में
आंगनबाड़ी बहनें 6000 में क्या कर लेंगी, इनसे घर चल सकता है। और वोट उसी को दो जो हमारे हित में सोचे, हमारे बारे में सोचे, जो हमारा नाम लेना पसंद करे। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन जो जनता के बारे में सोचे उसे ही जो है चूज़ करो। सही बात है, जो देश को के बारे में सोचे उसको चूज़ करो। अब आजकल हो क्या रहा है, देश की ग्रोथ के बारे में नहीं कोई सोच रहा। ये देखो इस बार का चुनाव तो कुछ ढंग का नहीं रहा। सबको पता है किन मुद्दों पर चुनाव हुए हैं, कहने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कैसे चुनाव हुए हैं। कोई रोजगार के मुद्दों पर नहीं हुए, कोई शिक्षा के मुद्दों पर नहीं हुए, कोई बेरोजगारी कम कर दी गई हो उसको लेकर के नहीं है, कोई भुखमरी में कोई जो है अच्छे आंकड़े आए हो, यानी उस पर थोड़ा काबू किया गया हो तो उसको लेकर के कोई चर्चे नहीं हुए, या देश की जीडीपी को लेकर के कोई चर्चे नहीं हुए। इन मामलों पर जो है कुछ हुआ ही नहीं देश में, समझ रहे हैं। चुनाव किस पर हुए, धर्म को लेकर के बस हुए, जो कि बिल्कुल गलत, जाति को लेकर के जो कि बिल्कुल गलत, मेरे हिसाब से नहीं ठीक है। बाकी लव सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ सोचता कोई कुछ सोचता, लेकिन मैं सोचता हूं कि चीज़ें बदलनी चाहिए। देखो मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख दूं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म पहले जरूरी है ये सब चीज़ें। देखो आप स्कूल पढ़ने जाते हो, मान लीजिएगा ये आपका स्कूल हो गया, ये 15-20 लोग हो गए और ये हर एक धर्म के हैं अलग अलग, कोई मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, कोई अलग अलग जाति का भी है, यानी सब अलग अलग जाति के धर्म के लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, ठीक जाते हैं। अब वहाँ पर अगर धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से सब पहनावा हो, ये सब चीज़ें हो, तो कितना गलत हो। लेकिन नहीं, शिक्षा पहले सिखाती है, स्कूल आप जाते हो सबसे पहले आपको यही सिखा जाता है कि इन धर्म जाति चीज़ों से ऊपर उठो, शिक्षा यही सिखाती है। इसीलिए सबको एक ड्रेस दे दी जाती है कि हर कोई एक समान दिखे, एक ड्रेस में एक जैसे, समानता का ये अधिकार हो गया। आपको वहाँ पर किसी को ये फील ना हो कि हम फलाने समुदाय से हैं, हम फलाने धर्म से हैं, हम फलानी जाति के हैं, इन चीज़ों से उठ जाए इंसान। इसीलिए आप देखते हो स्कूल हर एक बच्चे का ड्रेस हर एक जगह पर चीज़ें जो है वहाँ पर होती, यहाँ तक कि तमाम विभागों में, तमाम जो है कंपनियों में भी आप देखते हो कि ड्रेस बनाए जाते हैं। ड्रेस किस लिए बनाए जाते हैं, कोई वो नहीं है कि कुछ, उसका मेन कारण यही होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनमें समानता हो, वो बैर ना रखें, उनमें भेदभाव की भावनाएं ना हो, वो अपने सभी लोगों को एक गुट की तरह देखें और समानता रहे, यानी ये शिक्षा पहले सिखाती है। लेकिन आज की जनरेशन में देखिएगा स्कूल कौन कितना जा रहा, कितना सीखता है, किन किन चीज़ों से, वो सब सामने दिखता है। खैर चुनावी चीज़ें छोड़ो, बहनों की चर्चाओं पर आओ और बहनों की समस्याओं पर देखो। मेन मुद्दा यही है कि आंगनबाड़ी बहनों का सरकार ने भला नहीं किया, इस वजह से बहनें नाखुश हैं। और अगर इसका कोई हवाला ये दे कि पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं किया, तो मैं मानूंगा कि बस एक सवाल पर दूसरा सवाल चिपकाना है, बाकी पिछले सवाल का ये जवाब देना नहीं हुआ। समाधान चाहिए, ना कि एक सवाल के बदले दूसरा सवाल चाहिए। सबसे बड़ा मेरा तो मुद्दा यही रहता है हर मामले में कि जो भी मुद्दा उठता है उसका समाधान सरकार करे, मौजूदा सरकार है या कोई भी, चाहे ये आज है कल कोई और बदल जाए अगर खुदा न खास्ता, तो वो भी, उनके सामने भी यही चीज़ें हैं कि वो भी समस्या ना गिनाए कि पिछली सरकारों ने ये नहीं दिया, उनको फिर बदलाव करने पड़ेंगे। तो जो है वो समस्याओं का समाधान करे, ना कि जो है समस्या के बदले एक समस्या मुझको बताए और दिखाए कि देखो फलानी जगह भी ऐसा है। ये चीज़ों को समझो, बदलाव तभी होंगे। लिखा है हाँ भाई, नहीं आ रहा है PLI 4 का पैसा, मैसेज बस आ रहा है, अब सरकार के जो है झूठ बोलने की कोई लिमिट नहीं रह गई। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का ये भी एक काला सच है। मैं तो चाहूँगा कि हमारे यूनियन के भाई बहन भी इस मामले पर भी संज्ञान लें और एक लेटर लिखें निदेशालय को, या फिर इस मामले में RTI लगा करके निदेशालय से जवाब मांगे कि आंगनबाड़ी बहनों को भुगतानी धनराशि के विवरण में PLI 4 में दर्शाई गई जो धनराशि है मैसेज में आती है पर खाते में नहीं, इसका क्या कारण है, इसका साक्ष्य विभाग भेजे तो कुछ पता चले। खैर देखेंगे, कोई ना कोई तो आगे इस मामले में बढ़ेगा क्योंकि मुद्दा बड़ा है भाई। हम लोगों को तो एक लेबर से भी कम मानदेय मिलता है और काम तो एक ऑफिसर से भी ज़्यादा है, सच्चाई है। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर, ऑफिसर तो बना दिए जाते, कई जगह विशेष पुलिस अधिकारी बना दिए गए, अधिकारी मतलब ऑफिसर, तो ऐसे ऐसे काम दे दिए जाते लेकिन नाम नहीं। लिखा गया है उषा देवी इलई खागा फतेहपुर, मैसेज तो बहुत गलत आया, RS 3000 मोबाइल पर चढ़े लेकिन खाते में नहीं आए, वही सब चीज़ें देखो लिखा भी गया। बाकी इनका कहना है पूछो मत, 1000 रुपया CDPO को दो, इस तरह से सब बातें, तो भ्रष्टाचारी भी जगह जगह है, उसको लेकर तो खैर बहनों को ही लड़ना पड़ेगा। पप्पी जी सीतापुर से, देखो इन्होंने क्या कहा, रेउसा सीतापुर से हैं, इन्होंने लिखा है कि DM साहब को गर्मी नहीं हमारे यहाँ लगती है सीतापुर में, आदेश भैया जी नहीं आ रहा है, इस तरह से उनके वहाँ भी परेशानी है सीतापुर में। देखो
मैं नहीं बता सकता कि देखो आ गया है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से लेटर दिखा दिए हैं, हो सकता है उनमें दिखाया हो या हो सकता है अभी ना आया हो। तो या तो अगर नहीं आया तो सब्र रखें, अगर मेरे पास आएगा तो मैं दिखा दूंगा, और अगर हो सकता है मैंने दिखा दिया हो अगर निकला हो आपके सीतापुर में, तो फिर भाई वीडियो में ढूंढ लेना, क्योंकि हर एक जिले का याद नहीं रह सकता बराबर कि कौन कौन से लेटर में दिखा चुका। मुन्नी जी चित्रकूट से, इन्होंने क्या लिखा कि चित्रकूट वगैरह से उन्होंने कहा है कि आपको सूचित करना चाहती हूँ कि सूखा राशन जनवरी से नहीं प्राप्त हुआ है, पोषाहार भी जो है नहीं मिला है, बताएं हम क्या करें। देखो इसको लेकर के आप विभाग को अपना पत्र लिखें, उनसे पूछें कि आखिर क्यों नहीं मिला, और क्योंकि जवाब इसका वही देंगे, क्योंकि देखो भाई कोई मीडिया कर्मी या न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं बता सकता कि आपको क्यों नहीं मिला, क्या वजह रही जिले के अधिकारी बता पाएंगे। फिर आप चाहे उनसे ऐसे सिंपली पूछ लें या फिर अपना प्रार्थना पत्र के माध्यम से पूछ लें, विभाग को बताएं कि लाभार्थियों के सामने समस्याएं हैं, राशन को लेकर के परेशानियां आ रही हैं, तो वो जल्द से जल्द जो भिजवाया जाए, ये सब चीज़ें हैं, तो उसको आप देख लें अपने स्तर से। तो आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, धन्यवाद।